यू नो जेई नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते थे तो लगता था कि यार कुछ ना कुछ मिसिंग है। ऐसा लगता था कि बच्चों को क्या बोर्ड के एग्जाम में कॉपियां ही भरना सिखाएंगे या फिर जेई के एग्जाम में बबल ही भरना सिखाएंगे। और बहुत बार ऐसे केसेस हो जाते थे जब हमारे प्यारे बच्चे जब सिलेक्शन नहीं होता था तो बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते थे, सुसाइडल थॉट्स आने लगते थे। उनसे बात करके ऐसा लगता था कि ना एजुकेशन सिस्टम में कुछ मिसिंग है। ऐसा लगता था कि यार कुछ तो ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। क्यों ना 10th में ही या 11th में ही या अपने स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं यू नो या फिर कोई प्रोफेशनल भी हैं जो आगे जॉब पे यू नो इतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, स्किल इज़ एवरीथिंग। क्यों ना उन्हें स्किल सिखाई जाए, क्यों ना यू नो पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ को प्रमोट किया जाए कि आपके पास कोई ना कोई एक स्किल होनी चाहिए जिसको आप यू नो अपने पढ़ाई के साथ साथ डेवलप करें ताकि आपको ना जॉब या फिर पैसे कमाने का भी दिक्कत ना हो। आज उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं और एक्चुअली हम लोग उसी से रिलेटेड हमने अपना एक्चुअली जे और नीट का जो प्रोफेशन था मैंने तो वो भी छोड़ दिया, बाबा ने भी छोड़ दिया है और उससे हट के हम लोग स्किल बेस्ड कोर्सेज करवाने की कोशिश कर रहे हैं।